गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास टेंथ का ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट एंड स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखा था। इस लेक्चर में हम करंट कैरिंग लूप के अंदर, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किस तरह से होता है, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा वो देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि भाई कल हमने पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जैसे करंट फ्लो करता है तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते हैं कि इस तरह करंट फ्लो कर रहा है तो इस तरह से मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसी वायर को, इसी कंडक्टर को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म लेता हूँ इस तरह से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो पहली बात तो स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर थ्रू आउट ईच पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन सर्कुलर लूप के अंदर देखिए करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन ईच पॉइंट के ऊपर अलग अलग है। आप देखिए इस तरह से होगा कि नहीं होगा, तो ईच पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन अलग होगी। तो जिस पॉइंट इसके ऊपर इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से, तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी राइट हैंड थंब रूल से हर पॉइंट के ऊपर चेंज होता जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी बदल दी जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसकी हम स्टडी करेंगे। तो सपोज ये कोई सर्कुलर लूप है इस तरह से, इसका मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सर्कुलर लूप ऐसे नहीं रखा हुआ है जैसे सर्कल के फॉर्म में, वो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो टर्मिनल इसके हमने ले लिया और बैटरी से अटैच कर ली, तो करंट किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर जिस तरह से यहाँ दिखा रखा है इस तरह से ट्रेवल करेगा करंट। ठीक है, अब देखिए, अब इस पॉइंट की मैं बात करूँ, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है या इस जगह पे जो भी पॉइंट होगी उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज कह सकते हैं आप जिस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये किस तरह से आप ये कॉइल जो है ना वो इस तरह से प्लेस है, हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, साइड व्यू देख रहे हैं सपोज, तो जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट इसके ऊपर सर्कुलर लूप कैसे बनेगा ऐसे। सो ये जो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन के अंदर से बाहर जाते हुए इस तरह से हमको दिख रही है। ठीक है, सो अब जैसे जैसे ये हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है, एक के अंदर एक, तो यहाँ पे एक बनेगा, फिर उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो इन्फाइनाइट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम दो तीन सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ उस सर्कल का आर्क बनाते हैं भाई, सर्कल का इतना पार्ट, ये पूरा सर्कल है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे सर्कल बड़ा बड़ा बनता जाएगा, जैसे जैसे वो सेंटर की ओर आएगा तो उसका पाथ स्ट्रेट होता जाएगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी उसी तरह से बन रहा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं और उसकी वजह से रिपल करते हैं, उसकी वजह से ये जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो एकदम स्ट्रेट पाथ के अंदर बनता है। सर्कल की ईच कॉइल पे हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली तो ये कि भाई इसके अंदर करंट, आज जितनी ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी करंट फ्लो करवाते हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो लेंथ के या डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज्यादा हम जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जितना ज्यादा मैग्नेट से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है ना, वैसे ही जितना ज्यादा हम कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इट, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। इन्वर्सली रिलेशन समझते हैं, इसको इन्वर्सली रिलेशन बोलते हैं। इन्वर्स रिलेशन के अंदर क्या होता है, ये अगर बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास में होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फेरोमैग्नेटिक है वो उसको जितना पास में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और जितना दूर होगा वो उतना कम अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस वायर। जितना हम वायर से दूर जा रहे हैं, देखिए जितना हम वायर से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल का रेडियस जो है बढ़ता जा रहा है, डायमीटर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये आप देखिए कि जितना ज्यादा दूर जाएगा, अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम मतलब फील करेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा क्योंकि वो वायर के कंडक्टर के उतना पास में है। समझ गए चीज को, बहुत ही सिंपल। By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of these circles would appear as straight lines. Every point on the wire carrying current would give rise of the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop.
जितना ज्यादा हम सर्कल के इस लूप के सेंटर की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्टेट होता जाएगा दो साइड से मैग्नेटिक फील्ड के रिपल्शन की वजह से, और जितना ज्यादा हम करंट इस पर फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, डायरेक्ट रिलेशन है करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस इज एन टर्म्स एज लार्जर एज द प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि अब पहले हमने स्ट्रेट वायर लिया, उसके बाद में एक सर्कुलर लूप लिया। अब इसी तरह के मैं बहुत सारे अगर सर्कुलर लूप इस तरह से ले लूँ, तो मतलब इसी वायर को मैं इस तरह से स्प्रिंग की फॉर्म के अंदर बेंड कर लूँ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब तो सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूसरे वाले की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तीसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितने एन नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं उन सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उन सभी के अंदर करंट की डायरेक्शन आप देखिए सेम है, उसकी वजह से ये सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने से एक ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सोलेनोइड, उसको हम आगे पढ़ रहे हैं। सो इफ देर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस इज एन टाइम्स या एन टर्न्स लार्जर देन दैट प्रोड्यूस अ सिंगल टर्न। एक सिंगल टर्न जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसका एन टाइम्स ज्यादा होगा अगर हम उसको एन कॉइल के अंदर या एन लूप्स के अंदर अपन उसको बना लें। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप्स। और क्या होगा, ये इस तरह से लूप है, तो एक की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज वन है तो इसकी वजह से टू और इस तरह से ऐड होता जाएगा, क्योंकि सभी में करंट की डायरेक्शन सेम है। एक बार करंट फ्लो कराओगे थ्रू आउट द सर्कल ऐसी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, कोई भी एक जो सिलेंडर होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वायर को इस तरह से रैप करते हैं, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब एक इसका पोल साउथ पोल हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से इसमें 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 लूप बनाएगी, इस तरह से आप देखिए सोलेनॉइड में, ठीक है। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि एक सिलेंडर के ऊपर हम इस तरह से कॉइल को रैप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करवा देंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो लूप है इसकी वजह से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस साइड भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। तो और बीच में आप देखिए जो सोलेनॉइड के बीच का पार्ट है उस जगह के ऊपर स्ट्रेट सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है और स्ट्रेट है, तो मतलब बीच में जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका एप्लीकेशन क्या है सोलेनॉइड का, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा हो, रिंग वगैरह के अंदर बेल बजती है ना, वो इसी का एप्लीकेशन है। व्हेन वी फ्लो करंट थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड इट्स बिहेव लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट सॉरी इट्स वन एंड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव्स एज द मैग्नेटिक साउथ पोल। मतलब अगर कोई एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा तो उसका एक पोल साउथ पोल होगा गारंटी, और एक पोल नॉर्थ पोल होगा, बिना पोल के तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा ना। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कॉइल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब सोलेनॉइड के अंदर की साइड सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल होती है, और ईच पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, स्ट्रेट होता है और ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इस तरह का ये जो कंस्ट्रक्शन बना ना, मतलब आपने सोलेनॉइड को अगर बैटरी से अटैच कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एप्लीकेशन है, सोलेनॉइड का डायग्राम। अब देखिए अभी तक हमने जो भी बात की वो ये बात की कि अगर एक वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे उसको चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि अगर किसी जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर कंडक्टर को रख लें किसी भी तरह के नॉन कंडक्टर को, या उसमें करंट फ्लो करवाई जाए तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगेगा एक तरह से। क्यों लगेगा, समझिए आप इस तरह से, जैसे ये दो मैग्नेट है,
दो मैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल मैंने इस तरह से रखा, एक का साउथ पोल इस तरह से रखा, और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं लेकिन वो जाएगा, तो इस तरह से मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड जो है उस तरह से लगेगा। अब इसके बीच में मैं सपोज को एल्यूमिनियम की रॉड रख लेता हूँ, कोई भी एक रॉड रख लेते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर टाइप कह सकते हैं आप, तो उसके ऊपर पहले कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एल्यूमिनियम जो है फेरोमैग्नेटिक नहीं है, तो मैग्नेट उसको कोई अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा, तो हम जानते हैं कि अरिस्टोटल ने बोला कि जैसे ही हम कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके चारों ओर। मतलब ये जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इस रॉड का भी मैग्नेटिक फील्ड बना और ये जो परमानेंट मैग्नेट्स है इनका भी मैग्नेटिक फील्ड बना, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, जिस तरह से अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है जितना वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगा रहा है, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड, हालांकि उसका मास बड़ा इसलिए ज्यादा है, इसलिए अर्थ की ओर ऑब्जेक्ट खींचता है। ऐसा भी तो सकता है कि अर्थ भी बॉल की साइड खींचे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, किसका ग्रेविटेशन फील्ड ज्यादा है? अर्थ का। ठीक है ना, उसी वही बात है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा है? परमानेंट मैग्नेट का। ये तो टेम्परेरी मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से, भाई मैग्नेट तो बैंड होने से रहा, वो तो अपनी जगह से डिस्प्लेस होने से रहा, इसलिए वायर जो इस तरह से रखा होता है ना, वो इस तरह से रिपल होने की वजह से इस तरह से वो बैंड होना शुरू कर देता है। मतलब हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेज ए स्टेट मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड सो प्रोड्यूसेज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेटिक प्लेसेस इन द वेसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। मतलब जहां जहां कंडक्टर उसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वेसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये बताएं जैसे आपको कि मैग्नेट भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना कि वो उसके ऊपर करेगा, लेकिन जिसका ज्यादा होगा वो सुपर इम्पोज कर देगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए ये वायर जो है वो बैंड होना शुरू कर देता है। ठीक है, दो तरह से हम इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाएंगे, दो अलग अलग मैग्नेट है बेटा। अब हमने एक रॉड को यहाँ पे प्लेस किया, पहले हमने करंट फ्लो नहीं करवाया, उसके बाद हमने इसमें करंट फ्लो करवाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जैसे हम करंट फ्लो करवाएंगे तो ये पहले इस तरह सपोज स्ट्रेट था, लेकिन अब ये धीरे 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 मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड जा रहा है और जिस और अगर जो कंडक्टर है वो दोनों परपेंडिकुलर लगे हो, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है तो रॉड कैसे लगी हो? ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम लगता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। कैसे समझाता हूँ? आप ऐसे मानिए कि भाई कोई रिवर वगैरह होती है, आपने देखी पानी की, ठीक है ना? अब पानी की रिवर ऐसे जा रही है, पानी इसमें फ्लो हो रहा है। अब समझिए आप ऐसे कि इसके बीच में कोई ऐसी कोई लकड़ी रखी, कोई वुड का पीस रखा, ठीक है? अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से मैंने वुड की पीस को प्लेस किया है तो इसके ऊपर मतलब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मिनिमम? मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और ऑब्वियसली बात है जो रिवर का वाटर है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ फ्लो करेगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, इसी रिवर के अंदर पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी वुडन प्लेस को इस तरह से इसके पैरेलल प्लेस कर लिया। अब इसके ऊपर मैं इसके ऊपर फोर्स लगेगा वाटर का, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो मिनिमम लगेगा। मतलब वो उसके साथ, ये जरूरी कोई नहीं कि वाटर के साथ फ्लो करेगा, लेकिन इस केस के अंदर ये गारंटी की बात है कि वो वाटर के साथ फ्लो करेगा। मतलब अगर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए तो फोर्स क्या लगता है? मैक्सिमम लगता है। और अगर फोर्स की डायरेक्शन और उसकी कंडक्टर की डायरेक्शन एक ही है तो क्या होगा? फोर्स मिनिमम लगेगा पैरेलल लाइंस की वजह से। ठीक है ना, वो सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा होगा अगर हम इसको पैरेलल लगेंगे, एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और ये परपेंडिकुलर है तो इसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है। अब देखिए, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इसके दो टर्मिनल जो है इस रॉड के वो ऊपर से अपने रिजिड कर रखे हैं, दोनों को स्टेट एकदम आप कहिए कि लगा रखा है किसी भी चीज से, तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो क्या होगा? वायर धीरे 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 बैंड करना शुरू करेगा। ठीक है ना, बात समझे? कुल मिलाकर उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? तो फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो तरह के लॉ दिए। पहला दिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम आता है,
और दूसरा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर काम आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जैसे हमने बात किया कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा था, करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी, ठीक है ना, तो मैंने बोला कि फोर्स लगेगा। अब फोर्स ऑब्वियसली बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर फोर्स कैसे लगे किस डायरेक्शन के अंदर, ये फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने क्या बोला, इफ फ्लेमिंग इट स्टेट्स दैट स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर और सेंटर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझाता हूँ। फ्लेमिंग के दोनों जो रूल है वो इसी पे बेस काम करते हैं। फ्लेमिंग ये कहता है कि आप क्या करिए कि अपने अपने लेफ्ट हैंड को, जब लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं मतलब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। फ्लेमिंग ने बोला कि आप अपने हैंड की थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर को इस तरह से प्लेस करें, जैसे मैंने अभी कर रखा है, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पे। अब मानिए एक्स वाई जेड एक्सिस जिस तरह से होती है ना, उसी तरह से ये रेंज। अब देखिए फ्लेमिंग क्या कहता है कि अगर आप इस तरह से तीनों फिंगर्स को और एक दो फिंगर को और एक थंब को इस तरह से अरेंज करेंगे, तो ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के अंदर है, और ये जो मिडिल फिंगर है, जो सेंटर फिंगर है, ये उस करंट की डायरेक्शन दिखाता है जिस डायरेक्शन के अंदर करंट है। मतलब सपोज जैसे यहाँ की बात है, ये एग्जांपल है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस साइड, इस साइड में जा रहा है, मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड दिखाएंगे। अब करंट कैसे जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, रॉड के अंदर इस तरह से नीचे होता जा रहा है, तो इस तरह से फोर्स जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो फ्लेमिंग क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लग रहा है और करंट नीचे की साइड फ्लो हो रहा है, तो अब फ्लेमिंग क्या कहता है कि जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, मतलब थंब की डायरेक्शन के अंदर वो कंडक्टर मूव करेगा, मतलब फोर्स किधर लगेगा, अपर साइड के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना, क्लियर चीज है ना। वही कहता है अगर इसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर ले तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड रहेगा, करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऊपर की साइड में, तो आप फोर्स देखिए किधर लगेगा, इनसाइड द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर की साइड, ठीक है, ध्यान से समझ गया आप चीज को। और ये का ये राइट हैंड लॉ होगा, राइट हैंड के अंदर भी तीनों डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन वहां रिजल्टेंट कुछ और होगा। मतलब कहने का ये कि यहाँ रिजल्टेंट क्या है, मतलब क्या चीज गिवन थी हमको, मैग्नेटिक फील्ड गिवन था हमको, करंट गिवन थी, और हमने फोर्स फाइंड किया, मतलब फोर्स रिजल्टेंट है, ठीक है। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करती है, एंड सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर किसके डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करती है, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उस साइड ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, मतलब उस साइड फोर्स लगेगा, और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, समझ गए। तो ये मैंने इस तरह से डायग्राम बना रखा है परपेंडिकुलर का, आप चाहे तो हैंड वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ फिंगर क्या दिखाता है, फील्ड, मिडिल फिंगर मतलब सेंटर फिंगर क्या दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन। धीरे धीरे अगर आगे हम क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा। अब डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूडेड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का एप्लीकेशन क्या है, अभी हम इलेक्ट्रिक मोटर जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, हम वो मैं बताऊंगा आपका उसका एप्लीकेशन क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर करंट कैरिंग कंडक्टर इसी पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, लाउड स्पीकर वगैरह की बात करें, माइक्रोफोन वगैरह और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।